नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजे रोहतक की BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSLP फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जो आपकी काउंसलिंग कब तक कंडक्ट हो सकती है और क्या COVID-19 के रिगार्डिंग जो आपका सिचुएशन हुई है, तो क्या इसमें कब तक इसके काउंसलिंग कंडक्ट होने के चांसेज है। आपके बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेज आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कि आपकी काउंसलिंग कब तक कंडक्ट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अलग अलग स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस है COVID-19 के लिए, लॉकडाउन की जैसी वो लगनी स्टार्ट हो गई है। और आपके हरियाणा में भी 12 जनवरी तक आपका जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लग गई हैं और उसमें सभी जो कॉलेजेस हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं और ऑनलाइन जो स्टडी आपकी वो स्टार्ट कर दी गई है। उसी प्रकार से पीजे रोहतक में भी आपके जो कोर्सेज हैं उसके रिगार्डिंग भी आज एक नोटिस आ गया है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी। आपके चाहे कौन सा भी कोर्स हो पीजे रोहतक के अंडर, तो यूनिवर्सिटी से वो आपके इन्फॉर्मेशन नोटिस वगैरह आ चुके हैं। तो जो आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी हम अपडेट सोच रहे थे कि आपके जो न्यू ईयर पे फर्स्ट या सेकंड वीक पे जनवरी में आपका कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, लेकिन आपकी जो COVID-19 के रिगार्डिंग सिचुएशंस, कोविड के केसेस इनकी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए 12 जनवरी तक जो आपका रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, तो 12 जनवरी तक आपकी इस काउंसलिंग के कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। 10 से 20% ही चांसेस है कि हो सकती है, लेकिन 80% हम आपको बता रहे हैं कि 80-90% आपकी काउंसलिंग 12 जनवरी तक कंडक्ट नहीं होगी। और आगे भी अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो काउंसलिंग में आपका डिले हो सकता है और डिले होने के बहुत ज़्यादा आपके चांसेस है काउंसलिंग के। तो जो जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी कोर्सेज में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंतज़ार करें, तो उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि आपका काउंसलिंग में थोड़ा और डिले हो सकता है COVID-19 के केसेस के इंक्रीज़ के चलते। बाकी आपको कल एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू बता दें कि कब तक आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होगी। हमने मेल सेंड कर दिया पीजे रोहतक को इसके रिगार्डिंग कि वो अपनी प्रोबेबल डेट बता दें इसके रिगार्डिंग, लेकिन वो भी प्रोबेबल डेट भी बता पाना मुश्किल है क्योंकि COVID-19 के केसेस के रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी आने वाले दिनों में, तब तक काउंसलिंग को कंडक्ट कर पाना मुश्किल है। और ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो और सब कुछ आपकी जो प्रोसेस वो ऑनलाइन कंडक्ट हो। उसके रिगार्डिंग भी अगर ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी कंडक्ट होती है तो सारी जानकारी हम आपको जैसे ही नोटिस रिलीज होगा सारी जानकारी आपको बता देंगे, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे सीट अलॉट होगी। और लास्ट ईयर की कट ऑफ की रिगार्डिंग हमने पहले एक वीडियो बना रखी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और एक PDF भी शेयर कर रखा है लास्ट ईयर की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लिस्ट का, जिसमें आप सभी कोर्सेज BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी BSLP सभी कोर्सेज के लिए जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुई थी रैंक वाइज, आपके मार्क्स वाइज, वो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे वो PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं एजुकेशन MK और हमारे चैनल को ज्वाइन करके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिएगा, वेबसाइट पर भी आपको सारी जानकारियाँ दे रखी है। और चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल इसके रिगार्डिंग आपको एग्जैक्ट डेट और प्रोबेबल डेट के बारे में हम बता देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।